नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात भारत और इजराइल के बीच हुए अहम समझौतों की, कांग्रेस अध्यक्ष के अमेठी दौरे की, साथ ही जानेंगे कि 62वें जन्मदिन पर बीएसपी सुप्रीमो ने पीएम मोदी पर कैसे किया वार, और आखिर में बात होगी कोहली के कमाल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। भारत और इजराइल के बीच ऐतिहासिक करार, दोनों देशों के बीच हुए 9 समझौते। नेतन्याहू बोले, भारत इजराइल दोनों आतंकवाद से पीड़ित, साथ मिलकर लड़ेंगे। राहुल गांधी की रायबरेली सभा में मचा बवाल, आपस में भिड़े कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता, कांग्रेस एमएलसी की पुलिस से हुई नोकझोंक। आर्मी डे पर बिपिन रावत ने पाकिस्तान को चेताया, कहा हमें मजबूर किया तो करेंगे मजबूत कार्रवाई। रावत के तेवर से चिढ़ा चीन, कहा बिगड़ सकते हैं हालात। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम पहुंचे आसमान पर, डीजल के भाव 67 के पार, पेट्रोल भी पहुंचा 80 के करीब। और तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 251 अंकों की तेजी के साथ 34,843 के स्तर पर, निफ्टी में भी 60 अंकों की बढ़ोतरी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत पहुंचे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज द्विपक्षीय वार्ता हुई, जहां दोनों देशों ने 9 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इजराइल के बीच हुए करार के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी की मुलाकात पर सुबह से ही सभी की निगाहें टिकी थी कि आखिर दोनों देशों में किन मुद्दों पर सहमति बनती है। इसके बाद आज दोपहर 12 बजे दोनों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और एस जयशंकर भी मौजूद थे। इस बैठक में दोनों देशों के बीच 9 अहम समझौते हुए, जिसके तहत भारत और इजराइल पहली बार तेल और गैस क्षेत्र में निवेश करेंगे। इजराइल रिन्यूएबल एनर्जी में भारतीय कंपनियों को उन्नत तकनीक देगा। दोनों देशों के बीच उड्डयन क्षेत्र को लेकर भी समझौता हुआ, जिससे भारत इजराइल के बीच और करीबी रिश्ते बनेंगे। जुलाई 2017 में पीएम मोदी के इजराइल दौरे के दौरान साइबर सिक्योरिटी को लेकर समझौता हुआ था, जिसे और व्यापक बनाया जाएगा। अंतरिक्ष शोध और औद्योगिक रिसर्च को लेकर भी भारत और इजराइल के बीच दो नए समझौते हुए। भारत इजराइल में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देने को लेकर भी समझौता हुआ। इसके अलावा एक दूसरे के निवेशकों को बढ़ावा देने और सुरक्षा देने का समझौता हुआ है। वहीं दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने की बात भी कही है। 9 अहम समझौतों पर करार के बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान मोदी ने कहा कि भारत और इजराइल की दोस्ती 25 साल से मजबूत होती जा रही है। दोनों देशों के बीच उम्मीद और भरोसे की पार्टनरशिप हुई। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान कृषि विज्ञान और डिफेंस के क्षेत्र में इजरायली कंपनियों की टेक्नोलॉजी के साथ चलने पर होगा। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मौके पर कहा कि पीएम मोदी एक क्रांतिकारी नेता है। उन्होंने कहा कि इजराइल आने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम बने। जब वो वहां पर आए, ऐसा लगा कि कोई रॉक कॉन्सर्ट हो। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में उनका सम्मान किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहाँ से इजरायली पीएम राजघाट पहुंचे और पत्नी के साथ मिलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इजरायली दोस्त के साथ व्यस्त हैं। उधर कांग्रेस की कमान संभालने के बाद राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर मंदिर में दर्शन किए। राहुल गांधी का ये दौरा मिशन 2019 के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। अपने दौरे के पहले दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रायबरेली के मुस्लिम बहुल इलाके सलोन पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले लोगों को मकर संक्रांति की बधाई दी। लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने योगी सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। नोटबंदी को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश को बैंक के सामने ला खड़ा किया और किसानों की जमीन छीन उद्योगपतियों को दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जाति धर्म के नाम पर झगड़े करवाती है। वहीं रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार का झूठा वादा किया। राहुल ने पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को भी झूठा करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में प्रदेश में हुए आलू कांड का भी जिक्र किया और कहा कि प्रदेश में आज आलू सड़कों पर फेंका जा रहा है, किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि पूरे देश में किसान अपनी बदहाली पर रो रहे हैं।
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली के बरछावा में अपने काफिले को रुकवा कर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, राहुल एक स्थानीय ढाबे पर अपने साथियों के साथ चाय की चुस्की भी लेते दिखे। डीवी लाइव की रिपोर्ट। वैसे राहुल गांधी 2019 की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं बीएसपी ने भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अपने 62वें जन्मदिन पर लखनऊ में कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने आरएसएस और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सांप्रदायिकता और जातिवाद को बढ़ावा देकर समाज को बांटने का काम कर रही है। देश में आजादी के बाद से ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन बीएसपी ही एक ऐसी अकेली पार्टी है जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलती आ रही है। मायावती यही नहीं रुकी, पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने पीएम को बड़ी बड़ी बातें करने वाला उस्ताद बताया। उन्होंने कहा कि हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी जी इस बार तो गुजरात में बेघर होने से बच गए, लेकिन आगे के लिए वह सतर्क रहें। साथ ही बीएसपी सुप्रीमो ने 2019 के चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को भी कहा। उन्होंने पार्टी नेताओं को निर्देश दिए कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने क्षेत्र में गुजारे और लोगों की समस्याएं दूर करे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत मायावती ने सबसे पहले केक काट कर की। इस दौरान उन्होंने अपनी पुस्तक मेरे संघर्षमय जीवन और बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा भाग 13 का विमोचन किया। इसे ब्लू बुक का नाम दिया गया है। यह पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर पर, जिसने न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर चल रहा विवाद अब सुलझ चुका है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विवाद सुलझाने का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है और कहा है कि यह घर का मामला था। वही इससे पहले अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने भी जजों के बीच विवाद खत्म होने का दावा किया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चार जजों की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश में न्यायपालिका की हालत को लेकर सवाल खड़े हो गए थे, जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विवाद को सुलझाने के लिए पहल की। जजों से मुलाकात के बाद आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामला सुलझाने का दावा भी किया। बार काउंसिल ने इस मामले को घर की लड़ाई बताया है। काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्रा ने मीडिया को बताया कि जजों ने मिलकर ही इस विवाद को सुलझा लिया है। उन्होंने विवाद सुलझाने के लिए चीफ जस्टिस और चारों जजों का आभार भी जताया। इससे पहले अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने भी कहा था कि कोर्ट में काम ठीक से जारी है और अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि सुबह चीफ जस्टिस के साथ सभी जजों की अनौपचारिक बैठक भी हुई थी। डीवी लाइव की रिपोर्ट। और अब खबर बिहार से, जहां एक तरफ चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार मामले में 3.5 साल की सजा काट रहे लालू यादव जेल में बेचैन हैं, तो वहीं लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को भी पिता की चिंता सता रही है। इसीलिए तेजस्वी आज पिता से मिलने बिरसा मुंडा जेल पहुंचे, लेकिन जेल प्रशासन के रवैये से वो बेहद खफा नजर आए। दरअसल लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव आज जब पिता से मिलने जेल पहुंचे, तो प्रशासन ने उन्हें लालू से मिलने के लिए केवल 3 से 5 मिनट का वक्त ही दिया, जिस पर तेजस्वी यादव भड़क गए। पिता से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने मुलाकात की सारी प्रक्रियाएं पूरी की थी, बावजूद इसके उन्हें इतना कम वक्त दिया गया। तेजस्वी ने कहा कि जेल प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुलाकात के लिए इतना कम समय दिया जाना उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि अपने पिता का हालचाल पूछने के लिए वह 15 दिन बाद फिर से आएंगे। पिता से मुलाकात की जानकारी देते हुए तेजस्वी ने बताया कि लालू यादव बिल्कुल ठीक हैं। आपको बता दें कि लालू यादव दिल के मरीज हैं। तेजस्वी ने बताया कि लालू कई तरह की शारीरिक समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, इसीलिए पूरे परिवार को चिंता लगी रहती है कि वह दवाई वक्त पर लेते हैं या नहीं। एक तरफ बेटा पिता के लिए परेशान है, तो दूसरी तरफ पिता लालू की मुसीबतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देवघर मामले में सजा मिलने के बाद अब एक अन्य मामले में आज फिर लालू कोर्ट में पेश हुए। इस बार डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा अन्य आरोपी भी पेश हुए, लेकिन आज गवाह के गैर हाजिर रहने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। इस दौरान लालू यादव ने कोर्ट से अपील की कि जल्द से जल्द इस मामले पर भी फैसला सुनाया जाए। डिबिलैक की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात खेल जगत की। दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भारतीय कप्तान विराट कोहली का बल्ला जमकर गर्जा। जहां सेंचुरियन में विराट कोहली ने न सिर्फ शतक लगाया बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 183 रन से आगे खेलना शुरू किया। इस दौरान विराट कोहली ने अपने करियर का 21वां टेस्ट शतक जमाया।
अपने शतक से एक बार फिर उन्होंने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है, जो पहले मैच में बल्ले के खामोश रहने पर सवाल खड़ा कर रहे थे। उन्होंने न सिर्फ शतक जमाया बल्कि उसे 150 के पार भी ले गए। इस शतक के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। वह साउथ अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में 2 सेंचुरी लगाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम 5 सेंचुरी दर्ज है। यही नहीं, वह दूसरे भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने यहां शतक लगाया है। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर ने यह कारनामा किया था। वैसे कोहली के अलावा इस मैच में भी कोई अन्य बल्लेबाज ज्यादा देर तक नहीं टिक सका, लेकिन भारत ने पहली पारी में 307 रन बना लिए हैं। आपको बता दें कि 3 मैचों की सीरीज में भारत पहला टेस्ट मैच हार चुका है। वहीं भारत को सीरीज में बने रहने के लिए ये मैच जीतना जरूरी होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग इन करें dblive.tv। नमस्कार।